हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं हम रिकवरी मोड की, कि किस तरह से हम कर सकते हैं एंड्रॉइड मोबाइल को रीसेट यूजिंग रिकवरी मोड। कभी कभार होता है कि आपका मोबाइल हो जाता है स्विच ऑफ और नहीं हो पाता है स्विच ऑन, तो इस वक्त आप रिकवरी मोड से उसे कर सकते हैं ट्राई कि हो जाए वो स्विच ऑन, और रिकवरी मोड से कर सकते हैं आप उसे रीसेट। तो देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से हम रिकवरी मोड से कर सकते हैं एंड्रॉइड मोबाइल को रीसेट। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मेरा नाम है तौसीफ और आपका स्वागत है टॉक एस टेक्निकल में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको रिकवरी मोड में जाने के लिए करना पड़ेगा आपके मोबाइल को स्विच ऑफ, उसके बाद पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को साथ में होल्ड कीजिए कम से कम 10 सेकंड के लिए। उसके बाद आपके डिस्प्ले पे रिकवरी मोड दिखाई देगा। ये कॉम्बिनेशन हर एक मोबाइल में अलग अलग होता है। मैक्स मोबाइल में तो पावर ऑफ और वॉल्यूम डाउन बटन वर्क करता है, पर कुछ कुछ जैसे कि सैमसंग के मोबाइल में या फिर कुछ मोबाइल में आती है होम बटन्स, तो इन मोबाइल्स में आपको रिकवरी मोड में जाने के लिए प्रेस करना पड़ेगा पावर बटन, वॉल्यूम अप बटन और होम बटन एक साथ। रिकवरी मोड में आने के बाद आपके मोबाइल में दिखाई देगा एंड्रॉइड का सिंबल, जिसका पेट होगा खुला हुआ और साथ में होंगे कुछ बूट के ऑप्शंस, या फिर कुछ मोबाइल में सिर्फ दिखाई देंगे बूट ऑप्शंस, और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी होंगे कि आपको किस बटन से सिलेक्शंस करना है। जैसे कि मैक्स मोबाइल में वॉल्यूम अप बटन से सिलेक्ट होता है और डाउन बटन से आप स्क्रॉल कर सकते हैं, या फिर कुछ मोबाइल में आप वॉल्यूम अप और डाउन से स्क्रॉल करोगे और सिलेक्शन करोगे पावर बटन का यूज़ करके। तो जो इंस्ट्रक्शन होंगे आपको किस बटन से सिलेक्शन करना है और किस बटन से स्क्रॉल करना है, वो आपके बूट मेनूज के ऊपर लिखा होगा, तो उसे पढ़ लीजिए क्या आपको क्या करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके आना है रिकवरी ऑप्शन पर और रिकवरी ऑप्शन को कर लेना है सिलेक्ट। रिकवरी ऑप्शन के सिलेक्शन के बाद आपके मोबाइल पे दिखाई देंगे रिकवरी मोड के ऑप्शंस, पर कुछ मोबाइल में आ सकती है इस तरह की इमेज जिसमें लिखा होगा नो कमांड। अगर इस तरह की नो कमांड वाली इमेज आपके मोबाइल में दिखाई दे रही है तो आपको फिर से ट्राई करना पड़ेगा कुछ की कॉम्बिनेशंस। तो कॉमन की कॉम्बिनेशन है, आप होल्ड कीजिए पावर बटन को और एक बार प्रेस कीजिए वॉल्यूम अप बटन को और छोड़ दीजिए, तो इसके बाद आपके मोबाइल में दिखाई देंगे रिकवरी ऑप्शंस। रिकवरी ऑप्शन के भी स्क्रीन पे आपको ऊपर में होंगे कुछ इंस्ट्रक्शन जिसमें लिखा होगा कि आपको किस की कॉम्बिनेशन से स्क्रॉल करना है और किस की से आपको करना है सिलेक्शन। तो स्क्रॉल करके चूज़ कीजिए वाइप डेटा और रिसेट फैक्ट्री ऑप्शन को। इसके बाद आपको दिखाई देगा एक कन्फर्मेशन मैसेज जिसमें आपको पूछा जाएगा अगर आप करते हो फैक्ट्री रिसेट तो आपके मोबाइल में जो भी आपका पर्सनल डेटा है वो हो जाएगा लॉस्ट, और फैक्ट्री रिसेट के बाद आपके मोबाइल का जितना भी डेटा था वो हो जाएगा डिलीट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप फैक्ट्री रिसेट के बाद आपको आपके मोबाइल का पुराना डेटा नहीं मिलने वाला है। तो आपको अगर आप फैक्ट्री रिसेट अप करना है तो आपको सिलेक्ट करना है एस ऑप्शन को, और एस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपका मोबाइल हो जाएगा रीबूट और कुछ टाइम लेगा फैक्ट्री रिसेट होने के लिए। और फैक्ट्री रिसेट होने के बाद जब आपका मोबाइल रिस्टार्ट होगा तो आपका मोबाइल पहले जैसा बिल्कुल नया हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री रिसेट रिकवरी मोड थ्रू। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।